तो गैस आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप जियो का सिम आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन गैस, ठीक है। और आपको कहीं पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपके घर बैठे बैठे आपका सिम आपके घर पे आ जाएगा। और आप सबके ये भी डाउट होते हैं कि क्या भाई मैं अपने नंबर से अपनी आईडी से मैं सिम ले सकता हूँ या मैं अपने फैमिली के किसी आईडी से मैं क्या सिम ले सकता हूँ, तो गैस हाँ आप ले सकते हैं, ठीक है। वो प्रोसेस मैं आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूँ, आप हमारे चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और आप सबके ये भी डाउट होते हैं कि भाई मैंने जैसे कि मैंने जियो का सिम भाई अप्लाई कर दिया, बस एजेंट भी आपके आ जाए, और आप सब ये सोच रहे होंगे भाई मैं उस चीज़ को मैं कैंसिल करूँ, मैं अपने ऑर्डर को कैसे कैंसिल करूँ, ठीक है। तो इस पर प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको इस पर एक वीडियो में बना दूंगा, और भाई मैंने इस पर वीडियो भी बना रखा है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो आप उसे जाके देख सकते हो, और मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा प्रोसेस, ठीक है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करें। तो गाइस करना क्या, आपको सीधा माई जियो ऐप में जाना है, ठीक है। आपको जैसे मान लीजिए प्रीपेड का आपको सिम चाहिए, तो सीधा होम डिलीवरी आपके घर बैठे आपका सिम आ जाएगा, और होम पेज पे आप ऐसे ही आएंगे, जैसे कि माई जियो ऐप हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको पॉपअप भी आएगा माई जियो ऐप एंड यहाँ पे लिखा हुआ डेस्कटॉप, ठीक है, एंड गेट फ्री होम डिलीवरी, ठीक है। पर मेरे पास भी नहीं आ रहा है, मैंने 2-3 बार ओपन कर लिया भाई मैप को, तो यहाँ पे देख सकते हो गेट योर जियो सिम, इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आएगा, यहाँ पे आप सिम यहाँ पे लोकेशन आप ऑन कर लीजिएगा, गेट योर जियो कनेक्शन, ठीक है, सिलेक्ट योर परफॉर्मेंस, यहाँ पे लिखा है गेट योर न्यू नंबर, ठीक है, आपको न्यू पे क्लिक करना है, और ठीक है यहाँ पे पोस्ट पेड है प्रीपेड है, तो प्रीपेड आपको सिम चाहिए प्रीपेड पे क्लिक करना है, यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना गाइस, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पे एड्रेस वैड्रेस भरने के बाद सिर्फ, ठीक है, आपका एड्रेस भर देना है, और यहाँ पे बुक टू सिम डिलीवरी, ठीक है, यहाँ पे बुक हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे भरता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ गाइस, ठीक है। गाइस सब चीज़ मैंने भरने के बाद एड्रेस वैड्रेस पिन कोड नंबर भरने के बाद, और यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे लिखते हैं बुक सिम डिलीवरी, तो मतलब डिलीवरी आपके घर पे आएगा, ठीक है। आप किसी की भी आईडी से आप मंगवा सकते हो, जैसे मान लीजिए अभी आप बुक कर रहे हो, ठीक है, या आपके पास एजेंट आएगा, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ठीक है ये आपके घर पे आएगा, वो आपके वेरिफिकेशन करेगा, पूरा केवाईसी ऑनलाइन कर देगा। और गाइस एक और बात, पहले आपको आप सब ये भी डाउट करोगे, जैसे कि मान लीजिए आपने ये अभी मान लीजिए चलिए मैंने बुक कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से डेट में आप इसको चाहिए आपको, मुझे मतलब 12 से 3 बजे के बीच में मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो जो आपका टाइम लगता हो भाई, जैसे ऑफिस ऑफिस करती हो। और गाइस आप सब ये भी बोलती हो कि क्या भाई इस ऑर्डर को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपने सिम बुक कर दिया है, ठीक है, और आपको ये चाहिए नहीं, अब इस ऑर्डर को आप कैसे कैंसिल करेंगे, और आपका एजेंट का कॉल आता रहेगा, पूछेगा भाई आपने सिम बुक मतलब अप्लाई किया था ऑर्डर किया था, तो सर मैं कहाँ पे आऊँ, तो आप बाई मिस्टेक जैसे आपने बुक कर दिया और उसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो भाई इस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, जाके आप उसे देख लीजिए, और गाइस आपने जो सिम ऑर्डर किया उसको आप कैंसिल कर सकते हैं फाइनली, ठीक है। तो बस यही बताना था, चलिए मैं यहाँ पे बुक पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आप देखिए थैंक फॉर योर इंटरेस्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया है, और यहाँ पे मेरी ट्रांजैक्शन आईडी, मेरा नंबर जिस नंबर से मैंने बुक किया है, ठीक है, ठीक है भाई ये मेरा डन हो चुका है। और ये आपको ऑर्डर को देखना है वो भी करना क्या है, आपको सीधा आपको मेन्यू में चले जाना है, जो आपका ऑर्डर है वो आपको मैं दिखाऊँ क्या करना आपको सीधा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जियो केयर एंड हेल्प एंड सपोर्ट, ठीक है, वो ऑर्डर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, और यहाँ पे आप देखिए कस्टमर केयर से बात भी कर सकते हैं, ऑनलाइन चैट भी कर सकते हैं, और जो आपका ऑर्डर है यहाँ पे ट्रैक ऑर्डर, ठीक है, जो आपने ट्रैकिंग मतलब जो ऑर्डर आपने बुक किया होगा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं, और यहाँ पे मेरे देखिए जियो सिम, ठीक है, ऑर्डर एक्सेप्ट, मतलब मेरा 28 तारीख को हो चुका है गाइस, ठीक है, आज 28 तारीख है, ठीक है, आज 28 तारीख, तो आज ही ये बंदा आ जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको चाहूँ तो उसको मैं कैंसिल भी करवा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस ऑर्डर में मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जियो सिम, ये मेरे ऑर्डर आईडी है, ठीक है, और यहाँ पे नीड टू हेल्प टू ऑर्डर, यहाँ पे आप कैंसिल भी कर सकते हैं, तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, बहुत ही ईजी है, आप उसे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, और क्या करना है आपको सीधे बैग चले जाना है, बस भाई मैंने आपको बता दिया है। और चेक गाइस आई होप गाइस आप समझ गए कि मैंने किस तरह से जियो का सिम मैंने अप्लाई किया, ऑर्डर अप्लाई किया, और गाइस और ऑर्डर किया, और या और गाइस एक और बात मैंने आपको बताया था कि या किसी की भी मतलब फैमिली अपने फैमिली में कोई बड़ा भाई हो कोई भी हो तो उनके आईडी से आप सिम ले सकते हो, पर यह कि 18 से जो नीचे बंदे होंगे वो छोटे बच्चे होंगे उनकी भाई उनके आईडी से भाई वो मिलेगा नहीं भाई, ठीक है, वो उससे आप ले नहीं सकते हो, बट आपके फैमिली में कोई भी हो मतलब 18 से ऊपर हो मतलब 20-25-30-40-50 जो भी होंगे उसकी आईडी से आप सिम ले सकते हो, पर उन्हीं की आईडी उन्हीं के नाम पे भाई वो सिम हो सकता है, बट आपके नाम पे नहीं होगा, बट ये कि आप उनके नाम पे जो सिम हो वो आप चला सकते हो, क्योंकि वो आपके फादर है भाई, वही रिलेशन में तो वो यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, और भाई आपको जो डिलीवरी बॉय आपके घर पर आएगा आपकी फुल KYC आपके कर देगा, जिसकी आपके
फादर या मदर के नाम पे आईडी आपने सिम लिया है, ठीक है, उनकी उनको होना चाहिए, वो तब भी वो आपके फुल केवाईसी करेगा गाइस। और गाइस और कोई भी आपके डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और गाइस आप सब ये भी बोलते हो भाई कि भाई भाई जो डिलीवरी बॉय वो हमारे घर पे आता है क्या वो चार्ज लेगा, तो भाई आप मुझे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि वो चार्ज लेता है कि नहीं लेता है। तो भाई मेरा अभी तक तो कोई मैंने जो करवाया तो वो मेरे से कोई चार्ज वार्ज नहीं लिया, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करना कि आपसे चार्ज ले रहा है कि नहीं ले रहा है, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा कि भाई चार्ज क्यों नहीं ले रहा है, नहीं ले सकता, ठीक है। तो उसका प्रोसेस भी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है, ऑनलाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।